जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेटी की जिंदगी के बारे में। बेटी की जिंदगी तीन भागों में होती है और ये वीडियो का भी हमारा तीसरा भाग है। दोस्तों, बेटी की जिंदगी जिस टाइम बेटी जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद जब वो थोड़ी होशियार हो जाती है तो वो महसूस करती है कि मेरी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है बल्कि एक मोहताजी है। हम लोग जब उसको पैसा देते हैं तो तब उसके अखराजात पूरे होते हैं, यानी वो जवानी के आलम तक पहुंचने तक वो हमारे आगे ही हाथ फैलाती है। ये बेटी की जिंदगी का एक भाग हो गया। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, विवाह होती है, तो एक समस्या ये आती है कि कुछ लोग अपनी बेटियों को बेच देते हैं और कुछ लोग अपनी बेटियों के लिए दूल्हा को खरीदते हैं। यानी ये दोनों बातें अलग अलग हैं, बट जब बेटी शादी होकर अपने वर के साथ अपनी ससुराल चली जाती है तो जिंदगी का दूसरा भाग शुरू होता है। इसका नाम भी दोस्तों मोहताजी है। ये निर्भर होती है अपने पति पर कि अपनी सारी आवश्यकताएं वो अपने पति से मांगती है, पैसा तलब करती है। कोई पति जुआरी होता है, कोई पति शराबी होता है, कोई पति आवारा होता है, कोई पति कोई अफसर होता है। बट अफसर हो या शराबी, जुआरी हो या अफसर, लेकिन बेटी वहां भी एक दुल्हन के रूप में मोहताज होती है और उसके आगे हाथ फैलाती है। एक तीसरी जिंदगी शुरू होती है जब उसके बच्चे जवान हो जाते हैं, शादी बच्चों की भी हो जाती है। तो अब क्योंकि किसी का शौहर चला जाता है दुनिया छोड़कर और किसी का शौहर बूढ़ा हो जाता है, यानी तीसरी जिंदगी में वो मोहताज होती है अपने बच्चों की। और आज इस कलयुग के अंदर आप देखो, पीछे युगों में भी हमने देखा और इस युग में भी आप देखो कि बच्चे अपने माँ बाप की कितनी सेवा कर रहे हैं, अपनी माँ का कितना ख्याल रखते हैं। यानी ये तीसरी जिंदगी भी उसकी मोहताजी में गुजर जाती है और इतनी मोहताजी कि उसकी जीवन का अंत होता है और समस्याएं उसके साथ जुड़ी चली जाती हैं।